अपनी प्राथमिकता में शामिल रखा कि जो विकास के मुद्दे हैं वो कहीं पीछे न रह जाएं। और इस वक्त ट्रॉयका देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जिनमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो का भारत मंडपम में आगमन, इंडोनेशिया जो पहले अध्यक्ष रहा है ट्रॉयका, यानी वे तीन देश ट्रॉयका में शामिल होते हैं जिनमें जिससे अध्यक्षता भारत ने ली और जिसे भारत अध्यक्षता देगा, यानी ब्राजील। और इस वक्त इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो का आगमन हो चुका है। आसियान समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के अध्यक्षता का पूरा समर्थन किया और G20 के लिए समर्थन की बात की। आसियान के मोर्चे पर भी उस मंच पर भी उन्होंने G20 के प्राथमिकताओं का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये सदी एशिया की है, ये सदी हम सब की है और इसलिए जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक है उस पर फोकस करना आसियान क्षेत्र को बहुत ही आवश्यक और ये ट्रॉयका बड़ा ही इम्पोर्टेंट, पहली बार ऐसा हो रहा है जी शामिल रहा है। और अगर हम बाली डिक्लेरेशन की बात करें तो भारत का कहना है कि हम इस मुद्दे को बाली डिक्लेरेशन में जो अडॉप्ट किया गया था नेताओं के द्वारा उसको वहीं पर छोड़ना चाहते हैं और G20 की प्रेसिडेंसी में भारत विकास के मुद्दों को शामिल करना चाहता है, उस पर फोकस करना चाहता है क्योंकि ये एक इकोनॉमिक फोरम है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस को स्थान देने का इस फोरम, इसे एक मंच नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये मुद्दा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और लगातार हम कल से देख रहे हैं कि फॉरेन मीडिया भारतीय प्रतिनिधियों से भी बात कर रहा है कि कैसे इस मुद्दे को देखा जाएगा। और वैसे देखें तो बाली डिक्लेरेशन में भी रूस यूक्रेन संघर्ष के मुद्दे पर अंत में जाकर सहमति बन पाई थी, जिसके बाद सही शब्दों के साथ पंक्तियों को जोड़ा गया था और बाली डिक्लेरेशन सामने आया था। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि His Excellency